सालों पहले केशवपुर नामक एक गांव था। उस गांव के सभी लोग बहुत गरीब थे, सिर्फ एक बूढ़ा आदमी के अलावा। उनका नाम था शशिकांत। गांव में सबसे बड़ा घर शशिकांत का था। सिर्फ बड़ा घर ही नहीं, उनके पास बहुत जमीन था, एक तालाब, कुछ आम नारियल का पेड़ और दो गाय भी थी। शशिकांत के घर के पास माधव नामक एक किसान अपने पत्नी सरला के साथ एक झोपड़ी में रहता था। शशिकांत का जायदाद और संपत्ति तो बहुत था, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। फिर भी वो बहुत ही कंजूस इंसान था। शशिकांत रोज सुबह अपने खेत देखने के लिए जाते और हर एक चीज का पाई पाई का हिसाब रखते थे। अगर कुछ इधर से उधर हुआ तो पूरा गांव सर पे उठा लेते थे। और दूसरे तरफ माधव था, जो बहुत गरीब था लेकिन दिल से बहुत अच्छा था। और इतने गरीब होने के बावजूद वो अपने पत्नी के साथ बहुत खुशी से रहता था। रोज सुबह माधव एक कुदाल लेकर खेती का काम करने के लिए घर से निकल जाता, फिर दोपहर के समय घर लौटता। एक, दो, तीन, चार। शशिकांत इतना कंजूस आदमी था कि नारियल को गिन कर रखता और कैसे अपने संपत्ति बढ़ाना जाए सिर्फ उसके बारे में सोचता रहता। सिर्फ नारियल गिनना ही नहीं, शशिकांत अपने घर के पास जो छोटा सा फल और सब्जियों का बगीचा था उस पे भी अच्छे से नजर रखता और अपने जरूरत से ज्यादा फल और सब्जी अच्छे दाम में बेच देता। शशिकांत कभी कभी सुबह उठ के अपने तालाब के पास जाके अच्छे से निरीक्षण करता, ये देखने के लिए कि कोई उनके तालाब से मछली चोरी किया है कि नहीं। रोज की तरह एक दिन शशिकांत अपना नारियल गिन रहा था। लेकिन उस दिन गिनती में एक नारियल कम था, इसलिए उन्होंने उस नारियल को ढूंढने के लिए बगीचा के पास जाकर पेड़ के नीचे अच्छे से देखने लगा। रामू, जल्दी इधर आ। रामू नाम का एक लड़का शशिकांत के घर में काम करता था। मालिक का आवाज सुनकर वो दौड़ के उनके पास गया। पूरा गांव अच्छे से ढूंढ के देख, मेरा चोरी हुआ नारियल किधर है, अभी वापस लेके आ। अपने मालिक का आदेश पालन करने के लिए रामू दौड़ लगाया और 2-3 घंटे तक पूरे गांव में खोजकर रामू ने वो चोरी हुआ नारियल के साथ वापस आया। मदन चाचा का बेटा ले गया था आपका नारियल, ये लीजिए बाबू। शाबाश रामू, जा घर के अंदर रख क्या। दिन भर अपने खेत, तालाब, बगीचा इन सब के ऊपर अच्छे से नजर रख के फिर देर रात तक शशिकांत सब चीजों का हिसाब लिख के रखता ताकि बाद में कोई भूल ना हो और पिछले महीने से इस महीने में फसल ज्यादा हुआ कि नहीं वो भी पता चलता। बहुत देर तक हिसाब करके फिर शशिकांत सो जाता, लेकिन उस समय भी वो सिर्फ अपना पैसा और संपत्ति कैसे बढ़ाना जाए इस बारे में सोचता रहता। रात में गांव के सभी लोग गहरी नींद में था, सिर्फ शशिकांत के अलावा। वो कभी चैन से नहीं सो पाता। आधी रात में अचानक शशिकांत के घर में लाइट जल उठा, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रहा था, इसलिए वो घर के अंदर इधर से उधर चलने लगा। शशिकांत हर वक्त सिर्फ पैसा पैसा करता रहता और अपने घर पे और पत्नी को बिल्कुल समय नहीं देता था। ऊपर से रात भर नींद ना होने के कारण बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, इसलिए शशिकांत और उनका पत्नी सावित्री के बीच में हमेशा झगड़ा होता। फिर शशिकांत गुस्से से घर से निकल गया और कहां जाएगा और कब लौटेगा सावित्री को कुछ भी नहीं बताया। माधव और सरला बहुत गरीब था, लेकिन दोनों बहुत सुख शांति से रहता था। दोनों एक दूसरे को समय देता, एक साथ बैठ के बातचीत करता,
कोई परेशानी नहीं था। ये सब शशिकांत एक पेड़ के पीछे से छुप कर देख रहा था और उसे बहुत ईर्ष्या होने लगा। रोज की तरह खाने के बाद बहुत रात तक शशिकांत अपना हिसाब किताब कर रहा था, लेकिन आज उनका मन बहुत चंचल था, इसलिए हिसाब करते समय भूल भी हो रहा था। फिर शशिकांत सो गया, लेकिन समस्या तो एक ही था, उसे नींद नहीं आ रहा था। उन्होंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। फिर भी कुछ समय तक ऐसे ही लेटा रहा। कुछ देर बाद फिर से शशिकांत का घर का लाइट जल गया और वो परेशान होके इधर से उधर चलने लगा और सोचने लगा कि इतना गरीब होने के बावजूद माधव और सरला इतना खुश कैसे है। फिर शशिकांत इतनी रात में घर से बाहर जाने लगा ये देखने के लिए कि माधव और सरला रात में निश्चिंत से सोता है कि नहीं। फिर रात के अंधेरे में शशिकांत दबे पाँव माधव के घर की तरफ जाने लगा और घर के नज़दीक जाके घर के पीछे जो खिड़की था उस तरफ गया। फिर शशिकांत माधव के घर के खिड़की से झांक के अंदर देखा कि माधव और सरला गहरी नींद में सो रहा है। ये देखकर शशिकांत और भी परेशान हो गया। वो माधव इतना गरीब है, लेकिन रात में कितना चैन से सोता है, और मेरे पास इतना पैसा है, फिर भी मुझे नींद क्यों नहीं आती। आपके अंदर तो पैसों का नशा चढ़ा हुआ है, इसीलिए। मेरे पास एक प्लान है, उससे हमें पता चल जाएगा कि सच में पैसों की वजह से मैं इतना परेशान हूँ। आप तो कभी मेरे बात मानते नहीं। ठीक है, बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, तुम सरला के पास जाके एक जादुई केला के बारे में बताना, जो घर में रखने से माँ लक्ष्मी का कृपा होता है। फिर मैं रात में उसके घर में जाके एक पैसों का बक्सा रख के आऊंगा, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर अगले दिन सुबह सावित्री प्लान के अनुसार सरला के पास गई और उसे कहा, कैसे हो सरला, देखो ना अब उम्र भी जितनी बढ़ रही है, घर में अकेला अकेला बिल्कुल मन नहीं लगता, इसलिए सोचा थोड़ी देर तुम्हारे पास जाके थोड़ा बातचीत करूं। हम गरीब लोग और कैसे रहेंगे, बस दो वक्त का खाना ठीक से खाती हूँ, यही काफी है। हम भी पहले बहुत गरीब थे, एक सन्यासी बाबा ने हमें तो जादुई केला दिया था, जिसे घर में रखने से माँ लक्ष्मी का कृपा हुआ और हम अमीर बन गए। आज के दिन में तुम हमारे जो जो संपत्ति देख रही हो, वो सब उस जादुई केला की वजह से। दीदी, मुझे वो केला कहाँ मिलेगी, हम भी अमीर बनना चाहते हैं। मेरे पास एक अतिरिक्त केला है। ठीक है, तुम कहती हो तो कल मैं तुम्हें वो जादुई केला ला के दूंगी। अगले दिन सुबह सावित्री एक केला लेकर सरला के घर गई और सरला के हाथ में वो केला देकर बोला, इस केले के बारे में किसी को नहीं पता, तुम भी गांव में किसी को नहीं बताना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आप निश्चिंत रहिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उस दिन आधी रात में जब सब गांव वाले गहरी नींद सो रहा था, तब शशिकांत एक बक्सा भरती पैसा लेके माधव के घर के पास रखने के लिए जा रहा था। और फिर माधव के घर के पीछे जाके वो बक्सा रख दिया। इतनी गरीबी में अचानक इतना सारा पैसा देखकर माधव और सरला बहुत खुश तो हुआ था, लेकिन दोनों बहुत चिंतित भी हो गया, ये सोच के कि इतना सारे पैसों का वो लोग करेगा क्या, और अगर वो पैसा चोरी हो गया तो तब क्या करेगा। ये सब सोच के माधव और सरला आपस में देर रात तक बातचीत करने लगा और ये सब कुछ शशिकांत खिड़की के पीछे से छुपकर सुन रहा था। फिर अगले दिन सुबह माधव बहुत चिंतित होकर घर के सामने चुपचाप बैठा था, रोज की तरह खेती का काम करने के लिए नहीं गया
और शशिकांत पेड़ के पीछे से छुपकर सब कुछ देख रहा था। और दूसरी तरफ सरला भी दुखी थी क्योंकि पैसों को लेकर माधव के साथ उसका झगड़ा हो गया। अगले दिन सुबह माधव और सरला पैसा का बक्सा लेके शशिकांत के घर गया और माधव ने शशिकांत को कहा कि वो लोग बहुत गरीब हैं और इतने सारे पैसा लेके क्या करेगा, ये सोच के कुछ दिनों से वो लोग बहुत परेशानी में हैं, इसलिए सब पैसा उन्हें रखने के लिए बोला। तब शशिकांत ने सब सच सच बताया कि उसने ही रात के अंधेरे में छुप कर उसके घर के पीछे पैसे रख के आया था और उसके ऊपर अच्छे से नजर रखा और आज उसे यकीन हो गया है कि पैसा ही परेशानी का कारण है। तो बच्चों, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो नीचे लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करो और लाइक और शेयर करना ना भूले।